दोस्तों आज की वीडियो में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले। कई बार क्या होता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या महिला मित्र के साथ कहीं भी जाते हो, आपके पास गाड़ी है, अब गाड़ी में बैठ के आप कुछ भी खा रहे हो, सिंपली अपने दोनों के बैठ के खा रहे हो, ठीक है, अच्छी जगह जहाँ पे कपल्स भी रुक सकते हैं, पब्लिक प्लेस हो साइड में या पार्किंग हो, कहीं भी आप अपनी गाड़ी लगा के कुछ खा रहे हो अपनी गाड़ी में, सिंपल से कुछ कर नहीं रहे लेकिन खाना पीना कुछ ना कुछ कर रहे हो, दोनों बातचीत कर रहे हो, ठीक है। अब कोई पुलिस वाला आता है, पुलिस वाला आके आपको परेशान करता है, बोलता है साहब आपका आई डी दीजिए, ठीक है, आप कौन हो क्या हो, ठीक है, अब ज़्यादा बोलेगा तो आपसे पैसों की डिमांड करने लग जाएगा या बोलेगा थाने पर चलिए आप, ठीक है, सो बातें कर सकता आपके साथ, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपकी इंसल्ट कर सकता है या आपके सामने अपनी गर्लफ्रेंड की इंसल्ट कर सकता है, फालतू का ज्ञान बांट सकता है, ठीक है। कहीं लड़कों के साथ होती है, कहीं लड़के यहाँ पे पूछते रहते हैं कि साहब हमारे साथ पुलिस वालों ने ऐसा किया। देखिए पहली बात तो एरिया कौन सा है, कई बार ऐसा एरिया होता है, मतलब डेंजर जोन बोल दीजिए जिसको, जहाँ पर पब्लिक को अलाव नहीं होता है, ठीक है, ऐसे एरिया में तो आप जाइए मत कभी भी, ठीक है, वहाँ पे तो देखिए ऑलरेडी सिक्योरिटी भी रहती है, पुलिस का राइट भी रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन बाय चांस सिंपली अगर किसी को पुलिस वाले को लग रहा है कि ये तो गलत है, कुछ एक्टिविटी हो सकती है, तो इस वजह से वो आपको सिंपल जानकारी पूछ सकता है, भाई आप कौन हो क्या हो वगैरह, देख सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे ले भी नहीं सकता, ठीक है, सिंपली इन्फॉर्मेशन ले सकता है, वो पूछ तक सकता है, लेकिन बार बार आपको इंसल्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है, जहाँ से उसका कोई लेना देना है ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में ऐसे पुलिस वाले के खिलाफ आप 112 पे कॉल करके शिकायत करा दीजिए। इसका दो फायदा होने वाला है, ठीक है, पहली बात तो उसको पूरा मालूम होना चाहिए कि भैया किसी को आप अलीगल तरीके से परेशान नहीं कर सकते हो, ठीक है, दूसरा आगे चल के उसका रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो जाएगा। देखो 112 की कंप्लेंट है ना ऑन रिकॉर्ड होती है, ये बात आप नोट कर लिया करो, ठीक है, 112 पे उसी की पुलिस वाले की पुलिस पे ही शिकायत कर देना चाहिए हमेशा, ठीक है, तो इन फ्यूचर आगे चल के वो ऐसी एक्टिविटी किसी के साथ करेगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि अगर बार बार इस तरह से उसकी बार बार शिकायतें जाएगी डिपार्टमेंट में तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जी हाँ, देखो इस टाइप से कोई भी पुलिस वाला आपको परेशान नहीं कर सकता, ना ही आपकी इंसल्ट कर सकता है, और ज़्यादातर देखा जाएगा कि पुलिस वाले होते हैं जो अपने आप में खुदा समझने लग जाते हैं, कई लोगों के साथ होते रहते हैं, कई वीडियो वायरल होती है, उनको आप देखते भी होंगे, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको डरना नहीं चाहिए, आराम से, देखो आप कोई गलत एक्टिविटी नहीं कर रहे हो अपनी गाड़ी में, तो ऐसे सिचुएशन में भैया आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, जब भी आपको कोई परेशान करता है तो ऐसे पुलिस वालों का डायरेक्टली आपका एक ही इलाज है, सबसे पहले 112 पे कंप्लेंट करना। अब आप जाओगे फिजिकली तौर पे एसपी साहब को शिकायत दोगे वगैरह वगैरह, कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले 112 पे आप लोग कंप्लेंट कर दीजिए, सिंपल सी बात है, कौन सा एरिया लगा, कौन सी जगह आपकी गई है, कौन से कंट्रोल रूम में आपका कॉल लगा है, वहाँ की डिटेल ले लीजिए और वहाँ पे एक आईटीआई डाल दीजिए और रिसीविंग प्राप्त कर लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ऐसा पुलिस वाला कभी भी आपको परेशान नहीं कर सकते। जी हाँ, तो आई होप आप दोस्तों, ये सवाल था, एक किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था तो उसके बारे में पूरी डिटेल बना दिया, अब कहीं लोगों को ये दिक्कत आती रहोगी, इस वजह में डिटेल में पूरा वीडियो बना दिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।